तो भाई आज हम आए हुए हैं बजाज मयूर बजाज में, जो कि पड़ता है राजपुर रोड देहरादून में। अगर किसी को भी यहाँ से बाइक लेनी हो तो ऑफकोर्स आके ले सकता है, बहुत अच्छी डील मिलेगी और बाइक भी आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई आज है हमारे सामने बजाज की तरफ से आने वाली NS200, नई वाली NS200 है। देख पा रहे होगे तुम आगे USD लगे हुए, इससे तुम पहचान पा रहे होगे कि नई वाली NS200 है। बात बाकी इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या क्या नया टेक्नोलॉजी है, क्या क्या चेंजेस हुए, सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको इस गाड़ी का प्राइस वाइज सब पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं अब। तो भाई इस बाइक में कुल मिला के जो चेंजेस हुए हैं वो है 5, और मैं एक एक करके आपको सारे पहले 5 चेंजेस बता देता हूँ, फिर इस बाइक के स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, बाइक कैसी है। ये जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसका ABS। पहले इस गाड़ी में सिंगल चैनल ABS आता था, अब इसमें डुअल चैनल ABS आता है। तुम देख पा रहे होगे यहाँ, देखो ये एक प्लेट ABS की आगे, और पीछे भी तुम देख पा रहे होगे इस तरफ, ये देखो ये इधर पीछे भी ABS की प्लेट्स हैं। मतलब अब इस गाड़ी में आपको बेटर ब्रेक्स मिल जाते हैं, मतलब ABS डुअल चैनल ABS मिल जाता है, तो भाई बहुत अच्छी बात रहने वाली है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका USD फोक्स। बजाज ने फाइनली 11-12 साल बाद इसमें USD फोक्स अब आ गए हैं फाइनली। यहाँ पे देख पा रहे होगे तुम, पहले इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स आते थे, अब इसमें USD फोक्स आ रहे हैं। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है इसका गियर शिफ्ट इंडिकेटर। ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो मैंने ऑन किया है, ऑन नहीं हो रहा क्योंकि ये डिलीवरी वाली बाइक है, तो इसमें अभी फ़िलहाल बैटरी नहीं लगा। यहाँ पे हालांकि गियर इंडिकेटर आ जाता है और इस तरफ आपका कहीं डिस्टेंस टू MT भी दिखा देता है, तो मैं वीडियो अटैच कर दूँगा उसमें, आपको पता चल जाएगा। और जो इसका चौथा पॉइंट है वो है इसके अलॉयस के ऊपर। अलॉयस पहले काफ़ी हैवी आते थे इसमें, अब इसमें अलॉयस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो गए हैं पहले के मुकाबले, आगे पीछे दोनों अलॉयस काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो गए हैं। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो पुराने वाले NS से, मतलब मान लो तुम 1.5 लाख की अगर NS आती थी, तो अब X शोरूम में बता रहा हूँ, अगर 1.5 लाख की NS आती थी तो अब जो NS आ रही है वो है 1,57,000 की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, प्राइस इसका लास्ट में बताऊँगा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 7,000 इसका प्राइस हाइक हुआ है पहले से। तो अब गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसका इंजन पूरा खुला हुआ है और देखने में काफ़ी सही लग रहा है इंजन इसका। तो एक बार आपको इसके इंजन के बारे में बता देते हैं। तो भाई ये जो इंजन है ये है DTSI इंजन, तो वो देख पा रहा होगा जो बजाज हमेशा अपने शुरुआत से गाड़ियों में यूज़ करता आ रहा है DTSI इंजन। ये 199.5 cc का इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 24.13 bhp और 18.7 Nm का टॉर्क। तो भाई पावर तो इसमें बहुत है, फ्यूल इंजेक्टर इंजन है, कार्बोरेटेड इंजन है। यहाँ पे देखो फ्यूल इंजेक्टर की ब्रांडिंग, और आगे आपको यहाँ पे कूलेंट मिल जाता है क्योंकि लिक्विड कूल इंजन है। ये देखो आगे रेडिएटर लगा हुआ है ना, और मैंने आपको आगे की तरफ बता दिया, ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आगे आपको जो टायर मिलता है वो मिलता है 180/17 सेक्शन का टायर है, ये काफ़ी सही ग्रिप वाला टायर है, ट्यूबलेस टायर है बाद बाकी। और इस थोड़ा सा और इस तरफ आ जाए तो ये जो टैंक है ये आपकी वही फाइबर की है जैसे पुरानी आती थी, फाइबर की टैंक है, और इस तरफ आपको ग्रिप मिल जाता है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक, जो कि इसका फ्यूल टैंक का अगर कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर का इसका कैपेसिटी है। और यही पुराने वाले आपको स्विच काफ़ी एवेंजर टाइप लुक में, काफ़ी हैवी लुक में, वही पुराने टाइप के इसमें स्विच आपको मिल जाते हैं इस तरफ। और यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग, और बाद बाकी जो सबसे बड़ा मेरे को पर्सनली जो ड्रॉबैक लगा, आज से तुम समझ लो एक साल पहले मैं ये गाड़ी लेने आया था अपने दोस्त के साथ, मेरे दोस्त को चाहिए था NS, तो हम लोग लेने आए थे इसी वाले शोरूम पे, तो मैंने ये गाड़ी टेस्ट आउट की थी उस समय आज से साल भर पहले। तो भाई मैं तुमको पर्सनली बता रहा हूँ, पिछले मुकाबले और अभी के मुकाबले सीट काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हुई है इस गाड़ी में, कोई कमी उस समय मेरे को नहीं लगी थी एक साल पहले। मैंने प्लान ड्रॉप आउट किया था अपने दोस्त का इसी वजह से, क्योंकि भाई सीट कंफर्टेबल नहीं है और वो लॉन्ग ट्रिप थोड़ा सा मारता रहता है, तो उस वजह से मैंने ये गाड़ी जो है ड्रॉप आउट की थी। इस गाड़ी का मैंने टेस्ट राइड भी लिया था, तो मेरे को मतलब बैठते ही लगा कि नहीं यार इसका सीट काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसमें तो ट्रिप वो नहीं कर पाएगा, तो फिर मैंने उसको मना किया। और अब जो है इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, तुम देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, सिलिकॉन टाइप की सीट्स है, पीछे ग्रैब रेल्स
सीट काफ़ी अच्छी हो गई, NS 200 की ब्रांडिंग, फ्यूल इंजेक्टेड, और इस तरह आपको अभी तो कोई रश गार्ड नहीं मिलता है इसमें। और आगे जो मड गार्ड मिलता है ना इसमें, ये भी थोड़ा सा कार्बन फाइबर वाले रैप टाइप में दिया है, रैप है एक्चुअली, एक्चुअली कार्बन फाइबर नहीं है, रैप है, मड गार्ड है। और पीछे आपको टायर हगर भी मिल जाता है यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही आने वाला। और इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है आपको वो है ग्रैमरिका की, यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, कैलिबर्स जो है वो ग्रैमरिका के हैं आगे भी और पीछे भी। इस जो आगे वाला जो डिस्क है वो है 300 mm का, और जो पीछे वाला डिस्क है वो है 230 mm का विद ग्रैमरिका के कैलिबर्स। और पीछे वाला जो टायर का साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, 130/70/17 का पीछे वाला जो टायर, थोड़े से मेरे को थोड़े से पतले लगे लेकिन ठीक है। और इसमें आपको थोड़ी अलग सी टेल टाइडी मिलती है जो कि बजाज में शुरुआत से आ रही है, इस तरफ की टेल टाइडी थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का लगता है। और जो इंडिकेटर्स है वो अभी भी कंपनी की तरफ से आने वाले हैलोजन इंडिकेटर्स है, बाद बाकी यहाँ पे बैक लाइट जो कि वो अभी भी पुरानी वाली जैसी दिखती है। और आगे भी हैलोजन है, पीछे भी हैलोजन है, यहाँ पे फॉग लैम्प्स, छोटे छोटे DRLs है जो भी तुम बोल लो उसको। सीट के बारे में मैंने बता दिया, काफ़ी अच्छी सीट्स है ये। और इस तरफ आपको जो ये सब इसका मिलता है पैर वैर रखने वाला, वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी मिल जाता है, देखो मतलब पीछे करो तो एकदम ये सेट हो जाता है। और यहाँ पे ब्रेक्स मिल जाते हैं, और ये जो है आपका सस्पेंशन, मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि 7-8 step तक एडजस्टेबल है। इस गाड़ी का जो लुक्स को इन्हेंस करता है ना वो इसका सस्पेंशन ही है, रेड कलर में, वाइट और रेड। और इस गाड़ी में जो ये सस्पेंशन है ना वही सबसे ज़्यादा इन्हेंस करता है, देखो रेड कलर का सस्पेंशन है। इस गाड़ी में आपको 6 colors मिल जाते हैं, वो 6 colors जो हैं, एक है तो रेड कलर में आता है, एक आता है आपका वाइट और ब्लैक में, एक आता है आपका ब्लैक और ग्रे में, एक आता है ब्लू में, एक आता है ब्लैक और रेड में, और एक आता है वाइट और रेड में। ये है आपका वाइट और रेड वाला कॉम्बिनेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब भाई इस तरफ हम देख ही रहे, तो एक बार इसके ग्राउंड क्लियरेंस के भी बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखो 168 mm का है, ठीक है, इंडियन रोड्स के हिसाब से 168 mm आपको एक स्पोर्ट्स बाइक में मिल रहा है, नेकेड स्पोर्ट्स में। तो इसका जो सीट हाइट है वो है 805 mm, नॉर्मल सारे बाइक्स में इतना ही आता है यार, देखो 805 mm काफ़ी है, सीट की कम्फर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस बाइक का टोटल वेट अगर मैं बताऊँ तो वो है 159 kgs, और बाद बाकी जो इसका प्राइस है वो है 1,79,000 ऑन रोड, 1,79,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस गाड़ी के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप आपसे मिलते किसी नेक्स्ट रिव्यू या मोटो व्लॉग में।